अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली रजा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आज एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 है जिसमें हम लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के बारे में पढ़ेंगे, स्पिरल टूल के बारे में पढ़ेंगे और पोलर ग्रिड टूल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा शेप बिल्डर टूल के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ पेंट बकेट टूल के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ पेंट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एम प्रेस करते हैं। शिफ्ट एम शॉर्टकट की है शेप बिल्डर टूल की, ये दोनों शेप्स को मिलाता है और डिलीट करना है तो शेप को डिलीट भी करता है। फिर इसके बाद है आर्ट टूल। आर्ट टूल से हम कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। ये टेंट का ऊपर वाला हिस्सा बन गया है, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। अब पेन टूल लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे आए, इस तरह करके हम टेंट भी बना सकते हैं इसका। फिर इसके बाद स्पिरल ग्रिड टूल आता है। स्पिरल टूल में हम अप एरो की को प्रेस करके इसकी सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, डाउन एरो की को करके इसकी सेगमेंट कम कर सकते हैं। जैसे माउस को मैं ड्रैग करूँगा वैसे ये बड़ा होगा, माउस को वापस पीछे करने पे छोटा हो जाएगा आगे पीछे करने से। ओके, इसकी सेगमेंट कम करी। सेगमेंट कम करने के बाद पेन टूल लिया। पेन टूल लेने के बाद इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इससे कुछ भी चीज बना सकते हैं। हम कुछ भी चीज़ इससे बना सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के बारे में। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल में हम अप एरो की करेंगे तो रॉस बढ़ती हैं, डाउन एरो की करेंगे तो रॉस कम होंगी, राइट एरो की करेंगे तो कॉलम बढ़ेंगे, लेफ्ट एरो की करेंगे तो कॉलम कम होंगे। फिर इसके बाद पोलर ग्रिड टूल आता है। पोलर ग्रिड टूल में अप एरो की करने से सेगमेंट बढ़ते हैं, डाउन एरो की करने से सेगमेंट कम होते हैं। लेफ्ट एरो की करने से सेगमेंट कम होते हैं, लाइट एरो की करने से सेगमेंट बढ़ते हैं। फिर अभी हम यहाँ पे बनाते हैं बिल्डिंग, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे हम बनाते हैं बिल्डिंग।
अब ये एक बिल्डिंग बन गई। लाइफ शेप बिल्डर टूल के नीचे लाइफ पेंट बकेट टूल आता है, हम क्लिक करके इस पर कलर कर देंगे। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया, यहाँ पे रेड कलर कर दिया और यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया। अब इसकी जो लाइंस हैं वो हटानी है। लाइंस हटाने के लिए शिफ्ट एल प्रेस करेंगे। लाइफ पेंट सिलेक्शन टूल करके आ जाएगा इससे। फिर इस लाइनों को हम डिलीट कर देंगे। लाइन सेगमेंट करने के बाद हम यहाँ पे अब विंडोज बनाएंगे। सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर लाइफ मर्ज पेंट आता है, मर्ज लाइफ पेंट कर देंगे तो ये इसका हिस्सा बन जाएंगी। फिर हम लाइफ पेंट बकेट टूल करेंगे और कलर देना शुरू कर देंगे। अब शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, लाइफ पेंट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, इससे लाइनें हम हटा देंगे। यह आ गई हमारी एक बिल्डिंग। अब हम बनाते हैं इस पे दूसरी चीज। स्टूडेंट्स, आपका काम भी है कि आप बिल्डिंग बनाएं, आपका काम है कि आप स्लाइस टूल के बारे में सीखें। मैं स्लाइस्ड टेक्स्ट इफेक्ट सिखा रहा हूँ। इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस किया, क्रिएट आउटलाइन हो गया। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद ओपेसिटी में गए, ओपेसिटी इसकी कर दी कम, ओपेसिटी कर दी इसकी कम। अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिया है, रेक्टेंगुलर की भी ओपेसिटी कर दी थोड़ी सी कम। फिर दोनों को किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एम प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करके बीच में जो ये दिया हुआ है इसको हटाएंगे। शिफ्ट के साथ थोड़ा खिसका देंगे, हो गया। अब इसको लेंगे और कट कर देंगे। कट के बाद यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे हम ले आएंगे ब्लू कलर ले आएंगे। ब्लू कलर के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे 100%। इसके अंदर कलर कर देंगे वाइट।
पेस्ट कर दिया, पेस्ट के बाद इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे 100% कर देंगे। 100% करने के बाद इसका कलर कर देंगे वाइट और इसको कर देंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे। बड़ा करने के बाद हम इसको सेंटर में लिखेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अलाइन करेंगे। हाँ बस अलाइन हो गया, अलाइन हो गया। अब इसको पक करेंगे और इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज में जाएंगे, ड्रॉप शेडो में जाएंगे। तो ये एक नाइस सा स्लाइस इफेक्ट आपके सामने आ गया। आज के टूल में हमने पढ़ा है, लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पिरल टूल के बारे में, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के बारे में, पॉलर ग्रिड टूल के बारे में, शेप बिल्डर टूल के बारे में, लाइफ पेंट बकेट टूल के बारे में, लाइफ पेंट सिलेक्शन टूल के बारे में। और आज हमने सीखा है बिल्डिंग बनाना और इसके अलावा स्लाइस इफेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप भी बिल्डिंग बनाएं, स्लाइस इफेक्ट करें और उसकी एक पिक्चर खींच के मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दें और बताएं कि सर हमने भी बना लिया है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, हर क्लास में मैं जो सिखा रहा हूँ आपको, आप उसको सीखें, सीखने के बाद वही चीज़ दोहराने की कोशिश करें और फिर मुझे सेंड करते हैं। आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, आप ये बता दें। और फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, XD, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट के हवाले से जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, जो नए लोग हैं, जो पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।